नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बीम। हम इसमें मुख्य रूप से बीम के बारे में भूमिका बनाएंगे कि बीम किसे कहते हैं, बीम के प्रकार क्या। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है बीम। बीम इसको हिंदी में बोलते हैं धरन। मैं हिंदी के कुछ कुछ शब्द लिखूंगा क्योंकि कुछ विद्यार्थी हिंदी में भी अध्ययन करते हैं डिप्लोमा वगैरह में, ताकि उनको भी सहूलियत रहे। तो हमारा टॉपिक है बीम या फिर धरन। देखो, अब हम अगर मुख्य रूप से जानना चाहें कि बीम किसे कहते हैं, तो एक आम आदमी इस बीम शब्द को कहाँ सुनता है। हम आम आदमी बीम शब्द को सुनता है कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं, तो घर में आपने देखा होगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग मतलब वो बिल्डिंग जो RCC से बनाते हैं, हम पहले पिल्लर खड़े कर दिए, फिर उसके ऊपर बीम्स आ गए, फिर छत डाल दी, फिर आगे बिल्डिंग चलती जाती है, इस प्रकार से बिल्डिंग बढ़ती जाती है, और बाद में हम इनमें ब्रिक्स वॉल्स या फिर दीवारें खड़ी कर देते हैं। तो यही स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है। तो स्ट्रक्चर बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि ये जो दो दीवारों या दो पिल्लरों के बीच में ये जो लगा होता है ना, एक मोटा सा, कई बार आपने देखा होगा एक RCC का चौकोर सा स्ट्रक्चर जा रहा होता है, इसी को हम बीम बोलते हैं। आम आदमी इसको यहीं पर सुनता है। और ये जो खड़े खड़े पिल्लर होते हैं कॉन्क्रीट के, इनको हम क्या बोलते हैं, पिल्लर या फिर कॉलम। तो इनमें क्या अंतर है सर, ये भी तो कॉन्क्रीट का है, इसमें भी सरिया लगा है कॉन्क्रीट लगी, इसमें भी सरिया लगा है कॉन्क्रीट लगी, तो आपने इसको बीम क्यों बोला, इसको पिलर क्यों बोला, इसको कॉलम क्यों बोला, इन दोनों में क्या अंतर है। तो एक बार के लिए मैं इन दोनों में मुख्य मुख्य जो अंतर है वो यहीं पर क्लियर भी कर देता हूँ। तो देखो क्या होता है बच्चों, हम पृथ्वी पर हैं सब। अब कोई भी कहीं पर भी खड़ा हो, या कोई पत्थर, ईंट, टंकी या कोई भी मटेरियल कहीं पर लगा, उसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा ना, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, बाहर तो नीचे की तरफ ही लगना है। तो जब किसी स्ट्रक्चर मेंबर, पॉइंट नोट करना, मैंने बोला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मेंबर, मेंबर को, कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर मेंबर मतलब ऐसा कोई भी पार्ट या एलिमेंट जिससे हम स्ट्रक्चर बना सकते हो, ढांचा बना सकते हो। अब ढांचा बनाने के लिए जो सबसे खास बात है वो है कि उसका ठोस होना जरूरी है, उसका सॉलिड होना जरूरी है। क्यों? जैसे आप ताश के पत्ते ले लो, तो ताश के पत्तों से आप ये डिजाइन बना सकते हो ना, मतलब कोई स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। अगर आप तिनके ले लोगे उससे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको अगर धागे के छोटे छोटे टुकड़े दूं, रस्सी के, तो आप बना सकते हो क्या? नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं है। तो कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब क्या होना जरूरी है उसका, एक तरीके से कहना जाए तो इनडायरेक्टली वो सॉलिड होना चाहिए। तो ऐसा कोई सॉलिड एलिमेंट या पार्ट जिसको हम स्ट्रक्चर में यूज़ करें और उसके ऊपर जो लोड आएगा, भार आएगा, वजन आएगा, वो क्या हो, उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में कार्य कर रहा हो। अब देखो, मान लो ये दो पिलर है, अब इनके बीच में मैंने ये बीम डाला, तो इस बीम पे गौर करना, इस पे कोई भी आदमी खड़ा होगा या फिर कोई भी टंकी खड़ी होगी या फिर मतलब कोई भी वेट रखा होगा, तो इसका वजन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा। और ये जो मेरा बीम है इसकी लंबाई कैसी है, ऐसी, तो इस लंबाई के लंबवत लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, लंबवत लग रहे हैं ना। तो परिभाषा यही बोलती है, परिभाषा क्या बोलती है बीम की, ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर जो लोड है वो उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में कार्य करता हो तो उसे हम बीम कहेंगे, धरन कहेंगे। वहीं कॉलम क्या होता है, अब कॉलम में कुछ नहीं होता, जो लोड होता है वो उसकी लंबाई के अनुदिश कार्य करता है, लंबाई के अनुदिश कार्य करता है। तो लंबाई के अनुदिश मतलब, अब आप देखो ये पूरा का पूरा लोड जो इस बीम पर पड़ेगा वो कहाँ जाएगा, पिल्लर्स पे जाएगा, तो पिल्लर की लंबाई कैसी है, ऐसी, और इन पर लोड भी कैसा आएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बीम में और जो कॉलम में या फिर पिल्लर में जो मेन अंतर होता है वो यही होता है कि लंबाई और जो लोड की डायरेक्शन है वो क्या है। अगर वो दोनों पैरेलल है, सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो बीम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मोटे तौर पर बीम की परिभाषा देख ली, ठीक है, कि बीम ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर जो एक्टिंग लोड होता है वो उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में एक्ट करता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं जो बीम की परिभाषा होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ये बड़े आसान शब्दों में, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला के यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, मकसद मेरा आपको समझाना ज़्यादा है। आप चाहें तो एग्ज़ाम में, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो ऐसी परिभाषा यूज़ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इंग्लिश वालियों के लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं है, केवल आप एक बार के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर इसको स्टडी करना अपनी बुक से, मुझे नहीं लगता आपकी कोई समस्या आएगी। तो आप देख सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर या एलिमेंट या पार्ट जिस पर कार्यरत जो बाह्य बल होता है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल लोड जो भी एक्ट करेगा, वो क्या हो, लंबाई के लंबवत हो, परपेंडिकुलर टू लेंथ हो, अर्थात क्या हो, ट्रांसफर डायरेक्शन में काम करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे या फिर धरन बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बीम के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार के बीम होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम,
टाइप्स ऑफ बीम, या फिर मैं कहूँ तो धरण के प्रकार। तो देखो अब इसके प्रकार देखते हैं हम। सबसे पहला आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो बच्चों, जो सपोर्ट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं आलंब। तो सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम तो हम जानते हैं, धरण तो इसका हिंदी में नाम होता है शुद्ध आलंब धरण। शुद्ध आलंब धरण मैं नाम लिख रहा हूँ, बाद में एक साथ लिख के दे दूंगा, जिसको आवश्यकता है वो लिख सकता है। तो दूसरा आता है इसके बाद ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। तीसरा है बीम, चौथा है फिक्स्ड बीम, और पांचवा है कैंटी वियर बीम, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो बीम होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम और कैंटिलीवर बीम। मैं एक बार इनके हिंदी में नाम लिख देता हूँ, जिसको आवश्यकता है वो पोज करके वीडियो नोट कर सकता है। सिंपली सपोर्टेड बीम को क्या बोलते हैं? शुद्ध आलंब धरण। ओवरहैंगिंग बीम को क्या बोलते हैं? बाहर निकली हुई धरण। कंटिन्यूअस बीम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस नाम ही पता है हमको, सतत लगातार, तो सतत धरण। फिक्स्ड बीम को क्या बोलते हैं? आबद्ध धरण। और कैंटिलीवर बीम को मुझे नाम नहीं पता, आपको मिल जाए तो देख लेना, कैंटिलीवर ही मैंने लिखा हुआ है। तो ये तो हो गए इसके मुख्य रूप से वो टाइप जो हमें आगे काम आएंगे या जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब एक एक करके एक एक को देखते हुए चले जाते हैं हम। सबसे पहले पकड़ते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं हिंदी वाले नाम यूज़ नहीं करूँगा, आपके लिए एक बार लिख दें, आपको आवश्यकता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मेरी सलाह होगी आप अंग्रेजी वाले नामों को ही लेकर आगे बढ़ें। अब मित्रों, मैंने एक बार जितने भी जो बीम के पांच प्रकार थे उनके नाम लिख दिए हैं। अब ये कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम एक बार यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, नाम ही क्या है इसका, सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब सिंपल से दो सपोर्ट हैं और उसके ऊपर हमने किसी एक छड़ को रख दिया, ये एक डंडी को रख दिया, तो यही बीम है मेरा, क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम। और जो नीचे के जो फिक्स एंड होते हैं हम इनको ऐसे दिखाते हैं, ये निशान किसका है? ये निशान इस बात का है कि ये फिक्स जगह है, ठीक है ना। तो ये बीम क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। ये कहाँ पे देखा होगा आपने, मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको। सपोज मान लो ये एक नाली है, ठीक है, यहाँ पे भी दीवार है और इधर भी दीवार है और इधर एक नाली है। अब आपको नाली पार करनी है, अब आप जा नहीं सकते, तो कई बार आपने देखा होगा किसी ने क्या कर दिया, एक कातला रख दिया या फिर कोई पट्टी वगैरह इसके ऊपर रख दी। तो ये जो पट्टी आपने इसके ऊपर रख दी ना, ये किसका उदाहरण हो गया? ये उदाहरण हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का, क्योंकि दो एंड हैं जिन पर सिर्फ हमने इसको ऐसे टिका दिया, ठीक है ना। तो ये हमको प्रैक्टिकल में कहाँ देखने को मिलता है, मैं छोटा सा ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम नाम क्या है? ओवरहैंगिंग, हैंगिंग मतलब क्या होता है, आप लटकना है, झुका हुआ आगे, ओवर मतलब बाहर निकलता हुआ। तो सिंपली सपोर्टेड बीम, इस प्रकार के किसी एक बीम को हम ले लेते हैं, और अगर ये बीम, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ तक था, अगर ये बीम थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल जाएगा तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा मेरा किसका? ओवरहैंगिंग बीम का। तो ये क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। ऐसा आवश्यक नहीं है ये इधर ही निकले, ये इधर भी निकल सकता है बाहर और ये दोनों तरफ भी बाहर निकल सकता है। तो ये क्या हो गया मेरा? ओवरहैंगिंग बीम। अब देखो ओवरहैंगिंग बीम कहाँ देखने को मिलता है? आपने देखा होगा कि जैसे ये आपका मकान है, अब ये मकान, अब ये दो पिल्लरों के ऊपर, भाई ये तो हो गया पिल्लर वन और पिल्लर टू, इस पिल्लर के ऊपर ये बीम डला हुआ है। अब जब आपको छज्जा निकालना है तो आप क्या करते हैं? इस बीम को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, यही तो मकान बनता है। तो ये जो छज्जा निकला हुआ पार्ट है, ये एक तरीके से देखो ये ओवरहैंगिंग वाला पार्ट है कि नहीं है? दो सपोर्ट हैं, ओवरहैंगिंग है। तो हमको ओवरहैंगिंग बीम का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? जो हमारा निकला हुआ छज्जा होता है ना बाहर, ठीक है, आरसीसी में मैं बात कर रहा हूँ, आरसीसी में। तो ये क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। तीसरा क्या है? कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम क्या है? कंटिन्यूअस बीम है कि यदि मैं सिंपली सपोर्टेड जो बीम है उसमें कहीं सारे क्या कर दूं, मैं सपोर्ट लगा दूं। मतलब आप देखो कि ये तो था मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, जब इसके दो सिरे फिक्स थे, लेकिन अगर मैंने इसमें बीच में कई सारे सपोर्ट लगा दिए, ठीक है, कई सारे सपोर्ट लगा दिए, ये कई सारे सपोर्ट लगा दिए,
ये कई सारे सपोर्ट लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कंटिन्यूस बीम। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपने देखा होगा कि मान लो आपको स्ट्रक्चर वेल्ड कर रहे हैं, आप एक टीन शेड बना रहे हैं, तो टीन शेड में आपने एक तो यहाँ पे एक पिलर खड़ा हुआ है आपको, और एक यहाँ से एक मोटी गर्डर उसने रोड वेल्ड करी यहाँ पर, तो वो क्या करता है, इस मोटी गर्डर को डर लगता है उसे कि ये कहीं झूल ना जाए या कहीं लटक ना जाए, तो उसमें कई सारे बीच में और पिलर खड़े कर देता है वेल्ड करके, कर देता है ना। तो एक ही बीम पर एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा सपोर्ट है, बीच में भी कुछ सपोर्ट है, तो इस प्रकार की बीम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बीम। क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस बीम। समझ में आ गया होगा, कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अब फिक्स्ड बीम का उदाहरण हम देखते हैं। देखो फिक्स्ड बीम क्या है, आपको फिक्स्ड बीम का मैं बता दूं कि अगर बीम के दोनों सिरे दीवार में या किसी स्ट्रक्चर में फिक्स कर दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं, फिक्स कर दिए जाएं, तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड बीम। उदाहरण कहाँ पे, देखो कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आपको एक आपने एक मकान बनाया, ठीक है, अब ये इधर भी दीवार है, ठीक है, ये दीवार चल रही है और इधर भी दीवार है। अब अचानक से आपको यहां पर गेट था और उस गेट में क्या करना है, गेट तो खत्म हो गया लेकिन उसके ऊपर भी क्या चलेगा, मकान तो बनेगा, तो आप क्या करते हो, इसमें एक फंसा देते हो लेंटर, ये आपने फंसा दिया साफ मोटा सा लेंटर, ठीक है, ये आपने लेंटर फंसा दिया और ये गेट बन गया और इसके ऊपर भी दीवार चल गई, ये आपके मकान बन रहा है, ठीक है, था पूरा। अब आप एक तरीके से देखो कि ये जो आपने लेंटर फंसाया है इस दीवार में, ये लेंटर का एक सिरा फंसा दिया और दूसरा इधर फिक्स फंसा, ये दूसरा सिरा इधर फंसा दिया, तो इस लेंटर के दोनों सिरे फिक्स हुए कि नहीं हुए, फिक्स हुए, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा फिक्स्ड बीम, ये हिल नहीं सकते। अब मुख्य अंतर देखना, फिक्स्ड बीम और जो मेरा ये सिंपली सपोर्टेड बीम था इनमें क्या अंतर था, अगर यहाँ पे आप पट्टी को इधर से धक्का दोगे ना तो पट्टी खिसक जाएगी, लेकिन क्या ये बीम जो लेंटर है वो हिल सकता है क्या, नहीं हिल सकता ना। तो फिक्स्ड बीम में दोनों एंड फिक्स है, सिंपली सपोर्टेड में मैंने खाली ऐसे रखा हुआ है दो खड़े आधारों पर या फिर सपोर्ट्स पर, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ एंड फिक्स्ड है, यहाँ एंड फिक्स नहीं है, सिंपली सपोर्ट दिया हुआ है मैंने, बस ऊपर रखा हुआ है कि वो वजन झेल ले। तो ये फिक्स्ड बीम पर का कैसा देखने को मिलता है, फिक्स्ड बीम हमको इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, अब कैंटिलीवर बीम क्या होता है, यदि ऐसा बीम जिसका एक सिरा तो फिक्स हो और एक सिरा क्या हो, फ्री हो, मुक्त हो, तो ऐसे बीम को बोलते हैं हम कैंटिलीवर बीम। अब सर उदाहरण बताओ ये कहाँ देखने को मिलता है, तो बच्चों आपने देखा होगा आरसीसी से पहले के ज़माने में जब घर बनाए जाते थे तो पट्टियों का, पत्थरों का, लेंटरों का काफ़ी उपयोग किया जाता था, तो उस समय में आपने देखा होगा कि मकान की छत के जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, कि हम दीवार में छेद करके पट्टी को 1-1.5 फीट अंदर घुसा देते थे और पट्टी 2-3 फीट बाहर निकली होती थी, फिर थोड़ा ऊपर एक पट्टी और घुसा देते थे, फिर थोड़ा ऊपर एक पट्टी और घुसा देते। तो अगर आप देखोगे तो ये दीवार के अंदर आपके क्या है, दीवार के अंदर ये पट्टी घुसी हुई है, तो ये पट्टी का ये वाला हिस्सा तो क्या है, इस दीवार में फिक्स हो चुका है, यहाँ पे दीवार की ईंटें फिर आ गई होगी तो ये तो फिक्स हो चुका है, और ये वाला हिस्सा क्या है, फ्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। या फिर एक और उदाहरण बताऊँ कैंटिलीवर बीम का, पुराने मकानों में जब छज्जा बनाते थे, रूस जिसको बोलते हैं हम, जो छज्जा बनाते थे, तो वो छज्जा भी क्या बनाते थे, हम ऐसी गर्डर डालते थे दीवार में और इनके ऊपर फिर क्या करते थे, हम पट्टियां जमाते थे। आपने पुराने मकान देखे होंगे, कभी गांव वगैरह में जाने का मौका मिले या पुराने गढ़ किले वगैरह देखो, तो दीवार में गर्डर फंसा देते थे, मतलब ऐसा एक लेंटर टाइप का फंसा देते थे, फिर उस पर पट्टियां रखते थे और यही हमारा क्या होता था, छज्जा होता था, तो पूरा लोड ये लेते थे। तो ये भी क्या है, कैंटिलीवर बीम के उदाहरण है, ये मैंने उदाहरण बताए हैं, आपके जो मुख्य चित्र है मैं उनको रहने देता हूँ और बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। तो ये हमारे जो बीम थे उसके टाइप और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये उनका तरीका हो गया। तो आगे से आपको नाम बोला और आपके मन में चित्र आ जाना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड मतलब कैसा बीम होगा, या फिर ये बीम देखा तो इसका नाम तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि ये तो बीम हो गया, लेकिन बीम हमने क्यों लगाए, बीम क्यों लगाए, ताकि वो लोड बियर करें, उसके ऊपर वर्टिकल लोड आएगा उसको वो झेलेंगे, तो टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, प्लस ये बीम के सपोर्ट हैं तो ये सपोर्ट कैसे होते हैं, हम इन सपोर्टों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं।